हेलो फ्रेंड, आपका इजी कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे आलू और मूंग की दाल की मंगौड़ी की सब्जी अलग स्टाइल में। यहाँ पर हमने ले लिए हैं ये 7 से 8 आलू लिए हैं, इनको छील लिया है अच्छी तरह से और इनको 2-4 पानी में वॉश कर लिया है, इनको कट कर लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने थोड़ी सी मूंग की दाल की मंगौड़ियाँ ले ली हैं, इनको आप फ्राई कर लेंगे। गैस को ऑन कढ़ाई रख दी है, इसमें 1/2 चम्मच हम करेंगे सरसों का ऑयल ऐड। फ्रेंड तेल भी हो गया है गरम, तो इसमें डालेंगे ये हमारी मंगौड़ियाँ भी हो गई हैं फ्राई, मध्यम मध्यम आंच पर हमने इनको फ्राई कर लिया है। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। वाली हम कढ़ाई में अपनी सब्जी भी छोंकेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है सरसों का तेल और 1/2 चम्मच और कर देंगे इसमें ऐड। टोटल हमारा हो गया 1.5 चम्मच बड़ी। आप रिफाइंड में भी सब्जी को बना सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा तेल भी हो गया है गरम, तो इसमें हम ऐड करेंगे अब 1/2 चम्मच जीरा और यहाँ पर करेंगे हींग, 6 से 7 काली मिर्चें, 2 बारीक कटी हुई प्याज और इसको हम मध्य मध्य गैस पर ही फ्राई करेंगे। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज भी भून चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसमें हमने 2 टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। इसी के चलते हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसमें जाएगा 1 कटोरी दही फिटा हुआ और इसको हम अच्छी तरह से चलाएंगे, नहीं तो हमारा ये दही फट भी सकता है और दही से हमारी सब्जी और भी अच्छी हो जाएगी टेस्टी। 1 से 2 मिनट तक हमने दही को फ्राई कर लिया है। इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, तो इसमें जाएगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक आप इसमें स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे, इसको भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम जो आलू कटे हुए, ये भी आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको गाढ़ी रखनी है या पतली। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी पानी, ये 2 कटोरी पानी, 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है इसमें। 4 से 5 मिनट तक इसको हम ढक देंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम, फिर इसको हम चेक करेंगे। सब्जी को भी चेक कर लेते हैं, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये मंगौड़ियाँ, 4 से 5 मिनट तक और इसको पकाएंगे, अच्छी तरह से पक जाएगी। फ्रेंड्स हम अपनी सब्जी को भी चेक कर लेते हैं और आलूओं को भी देख लेते हैं, आलू भी हो गए हैं और ये मंगौड़ी भी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। सी कस्तूरी मेथी, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर है, थोड़ा सा करेंगे हम गरम मसाला ऐड और इनको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया और इनको हम आलूओं को थोड़ा मैश कर देंगे। हम डालेंगे थोड़ा सा सब्जी मसाला, धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है और अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। ये फ्रेंड्स हमारी आलू मंगौड़ी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स आप भी अलग स्टाइल में इसको बनाएं और अपनी फैमिली और फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मैं अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।